हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ग्रेविटी। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, ये केस सीआरपीसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 125 से रिलेटेड है, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 20 को भी, जो कि इस केस का एक अहम पहलू है। अब यहाँ आप लोग एक बात याद रखना कि आगे वीडियो में जहाँ भी मैं मेंटेनेंस एक्ट बोलूँ तो उसका मतलब ये होगा कि मैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के बारे में बात कर रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, उस केस का नाम है अभिलाषा वर्सेज प्रकाश एंड अदर्स, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दो क्वेश्चंस रेज हुए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि क्या एपिलेंट, जो कि बालिग हो चुकी है लेकिन अभी भी उसकी शादी नहीं हुई है, तो क्या वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 की कार्रवाई के तहत अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम करने की हकदार है, जबकि एपिलेंट में किसी भी तरह की कोई फिजिकल या मेंटल खराबी या चोट नहीं है। साथ ही सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उसके बाद ही हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर बात करेंगे और केस के बैकग्राउंड को समझेंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिविजनल कोर्ट ने जो ऑर्डर्स पास किए थे, जिनमें एपिलेंट के मेंटेनेंस क्लेम को एपिलेंट की मेजॉरिटी की डेट तक ही लिमिटेड कर दिया गया था, उसे सेट असाइड करके रेस्पोंडेंट, जो कि एपिलेंट का पिता है, उसे ये डायरेक्शन दिया जाए कि जब तक एपिलेंट अनमैरिड रहे तब तक उसे मेंटेनेंस दिया जाए। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही क्वेश्चंस को एक साथ प्रोसीड किया, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड थे। तो यहाँ हम जजमेंट पर चलने से पहले इस केस के बैकग्राउंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। ईयर 2002 में अभिलाषा की माँ ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत उसके पिता के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन फाइल की थी। तब यानी कि ईयर 2002 में अभिलाषा माइनर थी, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर पास किया था कि अभिलाषा के बालिग होने तक उसके पिता उसे मेंटेनेंस देंगे, जिसको रिविजनल कोर्ट्स ने भी अप्रूव कर दिया था। तो इस मामले में उठे सवालों पर कि क्या हिंदू अनमैरिड डॉटर अपने पिता से सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत बालिग होने तक ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, या फिर तब तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जब तक उसकी शादी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के सबसेक्शन 1 को एग्जामिन किया, जो इस प्रेजेंट केस से रिलेटेड था। अब इस बात पर एपिलांट यानी कि अभिलाषा के वकील का कहना था कि एपिलांट अनमैरिड रहने तक मेंटेनेंस पाने की हकदार है, लेकिन उसके इस आर्ग्यूमेंट को लोअर कोर्ट्स ने केवल इस ग्राउंड पर खारिज कर दिया कि वो किसी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी से सफर नहीं कर रही है। तो यहाँ अपीलांट के काउंसिल जिस प्रोविजन के तहत अपनी बात रख रहे थे वो था मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 20, जो मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स रिलेटेड प्रोविजन करता है। तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के नेचर, एक्सटेंट एंड स्कोप को एग्जामिन किया और साथ ही रेलिवेंट केस लॉज को भी कंसिडर किया, जिसमें से एक था नानक चंद वर्सेज चंद्र किशोर अग्रवाल का केस। ये जजमेंट 1969 का था एंड उस टाइम पर 1898 का सीआरपीसी लागू था एंड सीआरपीसी 1898 का सेक्शन 488 सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 125 के सिमिलर था। तो सेक्शन 488 को ही नानक चंद के केस में एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी 1898 का सेक्शन 488 और मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 20 के बीच एक कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है एंड बोथ कैन स्टैंड टुगेदर। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीआरपीसी 1898 का सेक्शन 488 एक समरी रेमेडी प्रोवाइड कराता है और ये सारे ही रिलीजन्स के लोगों पर लागू होता है जिसका पर्सनल लॉस से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के कई और केसेस को कंसीडर करने के बाद एंड सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि एक लड़की जो मेजर हो चुकी है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है और ना ही वो लड़की किसी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी या इंजरी से सफर कर रही है, तो वो अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत एंटाइटल नहीं है। लेकिन साथ ही बेंच ने ये भी कहा कि एक हिंदू अनमैरिड डॉटर, भले ही वो बालिग मींस मेजर हो चुकी है, वो अपने फादर से हिंदू मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 20 के सबसेक्शन 3 के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन इसके लिए उस लड़की को ये प्लीड करना होगा और साथ ही ये साबित भी करना होगा कि वो खुद का खर्चा नहीं चला सकती। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था
उसमें ये कहा गया था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिविजनल कोर्ट के पास किए गए ऑर्डर्स को सेट असाइड करके अपेलेंट के फादर को ये डायरेक्शन दे दिया जाए कि जब तक अपेलेंट अनमैरिड रहे तब तक उसे मेंटेनेंस दिया जाए। तो इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए बेंच ने नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम के केस को कंसीडर किया और इसे रेफर करते हुए ये ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जैसे बेनिफिशियल लेजिस्लेशन के इफेक्ट को किसी क्लियर प्रोविजन के अलावा डिफीट नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट को सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के साथ ही सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सूट को डिसाइड करने का जरिस्डिक्शन भी है और फैमिली कोर्ट अपना जरिस्डिक्शन दोनों एक्ट के तहत इस्तेमाल कर सकता है और एप्रोप्रिएट केस में अनमैरिड डॉटर के मेजर होने के बाद भी अंडर सेक्शन 20 ऑफ मेंटेनेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है जिससे प्रोसीडिंग्स की मल्टीप्लिसिटी को रोका जा सके। लेकिन अभिलाषा वर्सेस प्रकाश एंड अदर्स के केस के फैक्ट्स को अगर देखा जाए तो यहाँ मामला कुछ और था। यहाँ अपेलेंट ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट के सामने लगाया था जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का जो पर्पस एंड ऑब्जेक्ट है वो अपेलेंट को समरी प्रोसीडिंग्स में इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कराना है। इसका मतलब है कि जो पर्सन सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए एप्लीकेशन लगाता है उसे जल्दी राहत दिलाने के लिए कम से कम समय में कार्यवाही को खत्म करके गुजारा भत्ता मंजूर कर दिया जाता है। जबकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 20 के सबसेक्शन 3 रीड विद सेक्शन 3B के तहत जो राइट मिला हुआ है वो सेक्शन 125 के कंपैरिजन में एक बड़ा राइट है जिसके लिए सिविल कोर्ट्स को अपने पूरे डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। इसीलिए ऐसे बड़े क्लेम्स जैसे कि सेक्शन 20 के तहत दिए गए हैं जिसमें मेजर अनमैरिड डॉटर के मेंटेनेंस का क्लेम भी आता है तो ऐसे क्लेम्स की प्रोसीडिंग्स मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 20 के तहत सिविल कोर्ट इन सच मैटर्स फैमिली कोर्ट्स के सामने ही इनिशिएट की जानी चाहिए यानी सिविल कोर्ट के सामने ही शुरू की जानी चाहिए क्योंकि लेजिस्लेचर का ये पर्पस कभी भी नहीं रहा कि वो मजिस्ट्रेट के ऊपर ये बर्डन डाले कि वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के क्लेम्स को भी देखे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट एंड रिविजनल कोर्ट्स के ऑर्डर को बनाए रखा और कहा कि अगर सेक्शन 20 ऑफ मेंटेनेंस एक्ट के तहत मेजर डॉटर मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है तो वो सिविल कोर्ट के सामने इस तरह का सूट लाने के लिए एकदम फ्री है और अपने फादर से मेजर होने के बाद भी अनमैरिड रहने तक मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। तो आई होप आज का ये सेशन आप लोगों को फायदेमंद लगा होगा और अगर हाँ तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।